नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री और अमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर कहते हैं ये किस तरह की सरकार राज्य सरकार है। यदि वे लंबे कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे नए कार्य कैसे शुरू करेंगे। एम्स अस्पताल का प्रस्ताव था 2014 में स्वीकार किया गया था। राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी और हमने जमीन मांगी थी। वीरभद्र सिंह ने 2017 के अंत में हमें जमीन देने में 3 साल 4 महीने का समय लिया, जब उनकी सरकार जाने वाली थी और वह भी उससे आधी जरूरत थी। जब हमारी सरकार बनी तो कोविड के प्रकोप के बावजूद भी हमने एम्स का काम पूरा किया। ये कैसी सरकार है? काम पूरे करने तो दूर, नए देने तो दूर, पूरे करने का भी इसका हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। अनेकों काम ऐसे ही लटके पड़े। एम्स अस्पताल 2014 में मंजूर हुआ, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। हमने कहा जमीन दे दो भाई। वीरभद्र जी ने 3 साल 4 महीने लगाने के बाद तब जाके 2017 के अंत में आधी जमीन दी, जब उनकी सरकार जाने वाली थी। उसके बाद भी हमें 1.5 साल अपनी सरकार में और लगा उस एम्स को बनाने के लिए, उसकी जमीन को पूरा करने के लिए। 2019 में हमने शुरू किया, कोविड आ गया, उसके बावजूद मात्र 3 सालों में एम्स को पूरा कर लिया है। अब पीजीआई का अस्पताल हम ऊना में 500 करोड़ रुपए का बना के दे रहे हैं, उसका भी इस साल या अगले साल के शुरू में काम पूरा हो जाएगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आप अगर यहां से जाते हैं तो चंडीगढ़ जाने में आपको 5.5 घंटे लगते थे, लेकिन आप जाओ तो कितना टाइम लगता है? 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा। क्यों लगते हैं 3 घंटे? क्योंकि बिलासपुर से कीरतपुर का 4 लेन हाईवे बनाकर दे दिया है।